अक्सर वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोन काफी मददगार साबित होते हैं। होम लोन से लेकर पर्सनल लोन तक दिन भर में आपको बैंक से कई तरह के फोन आते होंगे, पर आपने पहले कभी ग्रीन लोन यानी हरित ऋण के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं कि ग्रीन लोन क्या होता है, कौन से बैंक ग्रीन लोन देते हैं और क्यों, आज ये चर्चा में है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ग्रीन फाइनेंस क्या होता है। भारत में कंपनियां हाइड्रोजन या कार्बन कैप्चर जैसे कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के विकास का समर्थन करने के लिए तमाम तरह के फाइनेंशियल विकल्पों की खोज कर रही हैं। इन्हीं में से एक है हरित वित्त यानी ग्रीन फाइनेंस, जो अब गति पकड़ रहा है। ग्रीन फाइनेंस एक ऐसे आंदोलन के रूप में आगे बढ़ रहा है जो वास्तव में पृथ्वी पर मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाले प्रभावों के प्रति सचेत रहने की जरूरत को दर्शाता है। ग्रीन फाइनेंस नवीन और टिकाऊ मंच स्थापित करने के मिशन पर कार्य कर रहा है। इसे सरल शब्दों में समझे तो ये एक तरह का ऋण या निवेश है जो पर्यावरण के प्रति सकारात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देता है, जो पारिस्थितिक या इकोलॉजी के अनुकूल वस्तुओं और सेवाओं की खरीद या फिर हरित बुनियादी ढांचे का निर्माण करने पर जोर देता है। इसके उदाहरण के तौर पर कई अंतर्राष्ट्रीय बैंक पहले से उन व्यवसायों के लिए कुछ शर्तों के साथ हरित ऋण यानी ग्रीन लोन की पेशकश कर रहे हैं जो कई परियोजनाओं में निवेश करते हैं। अब ग्रीन फाइनेंस से होने वाले लाभ पर नजर डाल लेते हैं। इससे देश को कई मायनों में लाभ पहुंचेगा, जैसे टेक्नोलॉजी का प्रसार और एनवायरनमेंट के अनुकूल बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। ग्रीन फाइनेंस देश की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा और निजी क्षेत्र के धन को स्थानीय ग्रीन मार्केट में लगाने के अवसर प्रदान करेगा। सरकार की पहल, निजी क्षेत्र की भागीदारी और बढ़ते तकनीकी अनुकूलन के साथ मिलकर देश में हरित वित्त के विकास को बढ़ावा मिल रहा है, जिसमें सतत विकास को बढ़ावा देना, कार्बन पदचिन्ह को कम करना और ऊर्जा सुरक्षा में सुधार शामिल है। अब आते हैं आज के मुद्दे पर, यानी ये ग्रीन लोन क्या है। ग्रीन लोन किसी भी अन्य पर्सनल लोन की तरह होता है। इस मामले में हरित या ग्रीन शब्द इस बात को संदर्भित करता है कि लिए गए ऋण का उद्देश्य उन परियोजनाओं का समर्थन करना है जो स्थिरता यानी सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देते हैं, ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करते हैं और पर्यावरणीय प्रदर्शन में सुधार करते हैं। यानी ये एक प्रकार का वित्त पोषण है जो विशेष तौर पर पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ प्रोजेक्ट्स या पहलों को वित्त पोषित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ग्रीन लोन आमतौर पर बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा पेश किए जाते हैं और इसका उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, घरेलू सौर पैनल, इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल, ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के अलावा अन्य पर्यावरणीय पहलों का समर्थन करने के लिए किया जाता है। लगे हाथ आपको ये भी बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक ने इसकी शुरुआत पहले से ही कर दी है। ग्रीन लोन के तहत 0.10% से 0.20% तक ब्याज में छूट भी बैंक दे रहा है। अन्य बैंक भी इस पर काम कर रहे हैं और दिसंबर तक अपनी तरफ से छूट का पैकेज ग्राहकों को देने का खाका भी तैयार किया जा रहा है। ग्रीन लोन के लिए बैंकों को अलग से ग्रीन विभाग बनाने के निर्देश दिए गए हैं। आज इस विषय पर चर्चा करने की वजह ये है कि इको फ्रेंडली उद्योगों और उत्पादों पर ग्रीन लोन देने के मामले में अब यूपी ने भी अपने कदम आगे बढ़ा लिए हैं। इसका मकसद यूपी में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में मददगार उत्पादों और उद्योगों को बढ़ावा देना है। दरअसल इस मामले में शासन और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच ग्रीन फाइनेंस के तहत ग्रीन लोन देने पर सहमति बन गई है। नाबार्ड ने भी सभी बैंकों से अपील की है कि इलेक्ट्रिक वाहनों, सौर ऊर्जा, पनबिजली, पवन चक्की, बायोगैस प्लांट आदि के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोन दिए जाए। इससे प्रदेश में भी ग्रीन फाइनेंस की प्रणाली को बढ़ावा मिल सकेगा। चलते चलते एक नजर यूपी में प्रदूषण की स्थिति पर भी डाल लेते हैं। मई में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार यूपी के 7 शहरों में वायु प्रदूषण चिंता का विषय है। बता दें कि पिछले साल दुनिया के सबसे प्रदूषित 10 शहरों में यूपी के 4 शहर गाजियाबाद, नोएडा, जौनपुर और बागपत शामिल थे। आज इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।